क्लास, अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ SN2 रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपके जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो इस टाइप के पढ़े थे कि आपको उसके अंदर हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स दिए गए थे और आपसे पूछा जा रहा था कि कौन से हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो SN2 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करते हैं और कौन से हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स SN2 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करते हैं। यानी कि आपको उन हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी बतानी थी SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर हम सेम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं, पर आपका SN2 रिएक्शन की जगह पर अब आपकी होंगी SN1 रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए आपका डिस्कस करेंगे। यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करते हैं और कौन से हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन से वो वाले एल्काइललाइट के मॉलिक्यूल्स फास्टली रिएक्ट करते हैं जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और वो वाले एल्काइललाइट के मॉलिक्यूल्स आपके स्लोली रिएक्ट करते हैं जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। तो यानी कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो आपका SN2 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को आपका गवर्न करता है। इसी तरीके से SN1 रिएक्शन के अंदर SN1 रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन को गवर्न करने वाला जो आपका फैक्टर है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ऐसे एल्काइललाइट के मॉलिक्यूल्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे एल्काइललाइट के मॉलिक्यूल्स SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करते हैं, और जिन एल्काइललाइट मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम है वो एल्काइललाइट के मॉलिक्यूल्स SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक एल्काइललाइट का मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा या स्लोली रिएक्ट करेगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर एल्काइललाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन जो है वो आपका स्टेबल है या नहीं है। तो अगर वो स्टेबल होगा तो वो फास्टली रिएक्ट करेगा, अगर वो कम स्टेबल होगा तो वो आपका स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आइए हम इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है जिसके अंदर आपको ये इथाइललाइट का मॉलिक्यूल दे रखा है, ये आपका पहला कंपाउंड है, और दूसरा आपको दे रखा है ये मिथाइललाइट का मॉलिक्यूल जो कि आपका दूसरा कंपाउंड है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करो SN1 रिएक्शन से, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना है कि इन दोनों एल्काइललाइट के मॉलिक्यूल्स में से कौन से वाला एल्काइललाइट का मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा और कौन से वाला एल्काइललाइट का मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें आपका क्या देखना पड़ेगा, मुझे इस इथाइललाइट की कॉरेस्पॉन्डिंग भी कार्बोकेटायन पहले बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इस मिथाइललाइट की कॉरेस्पॉन्डिंग भी कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा, फिर मुझे उन दोनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। जो सा कार्बोकेटायन आपका कम स्टेबल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइललाइट होगा वो स्लोली रिएक्ट करेगा, और जो सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइललाइट होगा वो आपका फास्टली रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन से, ठीक है। तो अब मैं आपका पहले वाला जो इथाइललाइट का ये जो मॉलिक्यूल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं आपका कार्बोकेटायन बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं आपका इस हेलोजन वाले एटम को हटा दूंगी, और हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज लिख दूंगी, ठीक है। तो इथाइललाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा CH3CH2 पॉजिटिव। तो आपने देखा इस इथाइललाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कार्बोकेटायन लिखने के लिए मैंने पहले तो X हटा दिया, ठीक है, और हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच था डायरेक्टली उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से ये मेरा आपका इथाइल कार्बोकेटायन आपका बन गया, ठीक है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर मैं यहाँ अडॉप्ट करूंगी मिथाइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कार्बोकेटायन बताने के लिए, ठीक है। तो अब मिथाइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कार्बोकेटायन बताने के लिए मैं क्या करूंगी,
हेलोजन एटम को हटा दूंगी, हेलोजन एटम को हटाऊंगी तो ये बन जाएगा CH3। अब ये हेलोजन एटम कौन से कार्बन से अटैच था, ये वाले कार्बन से अटैच था, तो इस कार्बन पर मैं आपका पॉजिटिव चार्ज लिख दूंगी। तो इस कार्बन पर मैंने आपका पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, तो ये मेरा बन गया मिथाइल कार्बोकेटायन। और ये हो गया मेरा इथाइल कार्बोकेटायन। और हम क्लास 11th में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि मिथाइल कार्बोकेटायन इथाइल कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होता है, तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है और इथाइल कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आपका देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज कितना न्यूट्रलाइज हो पा रहा है। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन का जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना ज्यादा वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होता जाएगा। और हम सभी जानते हैं जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, प्लस का इफेक्ट होता है। प्लस का इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो, ठीक है। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और वो कौन से इफेक्ट के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आई का मतलब होता है इंडक्टिव और प्लस का मतलब होता है जब आपका कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके आगे प्लस का साइन आता है और जिस इफेक्ट से डोनेट करता है और फिर आपका बाद में आपका वो इफेक्ट लिखा जाता है। तो क्योंकि एल्काइल ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो हम पहले प्लस लिखेंगे, ठीक है। और कौन से इफेक्ट से ये डोनेट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट करते हैं, तो मैं लिखूंगी आई इफेक्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। जितना बड़ा होता जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी है उसका उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि एल्काइल ग्रुप का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा वो प्लस का इफेक्ट से अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। सो बिगर द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी इट्स प्लस का इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों कार्बोकेटायन को कंपेयर करें तो यहाँ पर तो ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, है ना। जबकि यहाँ पर इस कार्बन पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन आपका एक मिथाइल ग्रुप से आपका अटैच है, ठीक है। तो इथाइल कार्बोकेटायन के अंदर ये जो कार्बन है जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है ये आगे आपका एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप एक आपका एल्काइल ग्रुप है, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन से इफेक्ट से, प्लस साइड इफेक्ट से। तो जब ये मिथाइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जब मिथाइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे इस तरीके से लिखेंगे ना, यहां पर मैं लिख रही हूं दोबारा से इसे। तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मिथाइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जिस तरफ आपका डोनेशन होता है वहां पर हम ये एरो लगाते हैं और जो टेल होती है इस एरो की वो उससे स्टार्ट होती है जो आपका डोनेट करता है। जैसे मिथाइल आपका डोनेट करता है तो जो टेल है इस एरो की वो आपकी मिथाइल से स्टार्ट होगी और जो हेड होगा आपका वो उस तरफ होगा जहां पर वो डोनेट कर रहा है। तो ये मिथाइल ग्रुप आपका अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो CH2 पॉजिटिव की तरफ आपका डोनेट करता है, यानी कि उस कार्बन को डोनेट करता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कौन से इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करता है आपका, जिसकी वजह से इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जितना ज्यादा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतना ज्यादा वो आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इथाइल कार्बोकेटायन में आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है
उस कार्बन के साथ जिस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव को यहाँ की बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इथाइल कार्बोकेटायन के अंदर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, और जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतना ज्यादा आपका कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये कार्बोकेटायन आपका स्टेबल है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें मिथाइल कार्बोकेटायन की, तो इसके अंदर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, नलीफाई नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये आपका कम स्टेबल है, ठीक है। अब ये अगर आपका कम स्टेबल है और ये आपका ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन से क्या है, ज्यादा है। तो इस कार्बोकेटायन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला अल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी आपकी ये वाले कंपाउंड से क्या होगी, ये वाले अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इस अल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन एथाइल कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल है, जबकि इस मिथाइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन है वो मिथाइल कार्बोकेटायन है जो कम स्टेबल है। तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन से ज्यादा, तो ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो इस और ये आपका कम स्टेबल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वाला अल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, SN1 रिएक्शन से ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, ये वाले कार्बोकेटायन के अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। तो यानी कि ये आपका फास्टली रिएक्ट करेगा आपका SN1 रिएक्शन से इन कंपैरिजन टू ये वाला अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और भी बता देती हूँ कि कार्बोकेटायन आपका कब ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकेटायन आपका तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है बेटा कोई भी अगर केटायन होता है या कोई भी एनायन होता है, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी ये होती है, केटायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की और एनायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, है ना। केटायन की क्या होती है, पॉजिटिव फील्ड होती है तो उसकी कोशिश होती है कहीं से भी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और एनायन की कोशिश होती है कहीं से भी वो आपका अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो भी उसके पास एक्सेस आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो हर केटायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और हर एनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उल्टा उसकी कोशिश होती है एनायन की कि वो अपना नेगेटिव चार्ज आपका लूज कर दे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हर केटायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, ताकि वो आपका अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, और ऐसा करके वो आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। देखो ना, केटायन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, एनायन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो अगर कोई स्पीशीज केटायन या एनायन होगी तो वो आपकी क्या होगी, रिएक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। और अगर वो स्पीशीज रिएक्टिव होगी तो वो आपकी स्टेबल कैसे होगी, क्योंकि स्टेबल चीजें तो कभी भी रिएक्टिव नहीं होती हैं आपकी, है ना। तो अगर आपका कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए किसी भी तरीके से तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम नट शेल में कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि केटायन और एनायन जो होता है आपका उनकी टेंडेंसी होती है अपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जाने की, यानी कि अगर केटायन है तो उसकी टेंडेंसी होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके न्यूट्रलाइज करने की ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसी तरीके से एनायन की टेंडेंसी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ताकि वो आपका फिर से न्यूट्रलाइज हो सके, यानी कि न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल हो सके, ठीक है। तो हमेशा आपकी जो न्यूट्रल स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होगी आपकी इन कंपैरिजन टू केटायन या फिर एनायन वाली स्टेट, जिसकी वजह से अगर कोई भी आपका कार्बोकेटायन होता है उसकी टेंडेंसी होती है आपकी कि वो आपका क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे,
और आपका स्टेबिलिटी अक्वायर करें। तो अगर किसी कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी कम है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि अगर आप किसी भी तरीके से कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो तो वो आपका स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतना ज़्यादा वो आपका स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को गवर्न करता है वो है आपका रेजोनेंस। तो अगर किसी भी कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में एंटर कर जाए, ठीक है, रेजोनेंस में आपका चला जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज भी आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो कोई भी कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोई भी कार्बोकेटायन आपका तब स्टेबल होगा जब उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, या फिर उसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए। दोनों ही केसेस में आपका जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल हो जाता है, और जिसकी वजह से उस कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइल हैलाइड होता है उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन से क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, यानी कि वो आपका SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि कंपाउंड नंबर 1 कंपाउंड नंबर 2 से आपका क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कंपाउंड नंबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है और कंपाउंड नंबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन है वो कम स्टेबल है, क्लियर। अब हम आपका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बेटा सेकेंड क्वेश्चन जो आपका SN1 रिएक्शन से पूछा जाता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमें बताना है, यानी कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन से ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा और कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन से कम रिएक्टिविटी शो करेगा, यानी कि कौन सा वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा और कौन सा वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये आपकी ज़िगज़ैग नोटेशन है दोनों कंपाउंड्स की, तो इसको मैंने कंपाउंड नंबर 1 लिख दिया, इसको मैंने कंपाउंड नंबर 2 लिख दिया। तो दोनों की ज़िगज़ैग नोटेशन है, दोनों को हम पहले आपका नॉर्मल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है ये जो है ये आपके क्या है, कार्बन्स हैं, ये 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 जो सर्कल मैं कर रही हूँ ये सारे क्या है, कार्बन्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे आपके जो सर्कल कर रही हूँ मैं, ये सारे क्या है, आपके कार्बन्स हैं, ठीक है। तो अब हम आपका इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये क्या होगा, पहले वाला कार्बन हो जाएगा CH3, उसके साथ अटैच होगा दूसरे वाला कार्बन जो होगा CH2, उसके साथ अटैच होगा ये तीसरे वाला कार्बन जो होगा CH2, उसके साथ अटैच होगा वो चौथे वाला कार्बन CH Cl। इस ये चौथे वाले कार्बन के साथ एक आपका ये Cl वाला बॉन्ड है और एक आपका राइट साइड पर ये वाला आपका कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, तो ये मैंने आपका बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका पहला कार्बन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CH3 लिख दिया मैंने, ये दूसरा कार्बन है ये हो गया CH2, ये तीसरा कार्बन है CH2, ये चौथा कार्बन है CH2, ये आपका पांचवा कार्बन है CH2 और ये पांचवा कार्बन Cl से अटैच है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये दो आपके इस तरीके के कंपाउंड है, ठीक है, पर आपको बताना है कि कौन सा वाला जो कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन से ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों एल्काइल हैलाइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दोनों में से कौन से वाले एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो पहले मैं आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ड्रॉ कर लेती हूँ आपका कार्बोकेटायन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं आपका ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ आपका
तो ये वाला आपका कार्बोकेटायन होगा इस एल्काइलाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन मैंने कैसे बनाया, मैंने इस हेलोजन एटम को हटा दिया, क्लोरीन एटम को हटा दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये मिथाइल है और ये कार्बन है, ये मिथाइल है और ये कार्बन है, यहाँ से मैंने हेलोजन एटम हटा दिया, तो यहाँ से देखो हेलोजन एटम हट गया और हेलोजन एटम इस कार्बन से क्योंकि डायरेक्टली अटैच था तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो इस कार्बन पर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये मेरा आपका एक कार्बोकेटायन बन गया। सेम अब मैं आपका यहाँ पर सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगी, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगी CH3, ये CH3 लिख दिया, फिर CH2, फिर ये वाला CH2, फिर ये वाला CH2, फिर आपका जो ये वाला CH2 है इसका ये वाला कार्बन इस क्लोरीन से अटैच है, तो पहले मैंने इस CH2 का एज इट इज लिख दिया। अब इसका एक ये जो कार्बन है ये हेलोजन एटम से अटैच है, तो वो हेलोजन एटम मैं यहाँ नीचे नहीं लिखूंगी कार्बोकेटायन बनाने के लिए, और हेलोजन एटम जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच था इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यानी कि ये ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरे दो कार्बोकेटायन आपके बन गए, ठीक है। अब मुझे देखना है इन दोनों कार्बोकेटायन में कौन से वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये आगे इस ब्यूटाइल ग्रुप से अटैच है, चार कार्बन एटम है ना इसमें, 1, 2, 3, 4, तो ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये एक ब्यूटाइल ग्रुप के साथ अटैच है, 1 ब्यूटाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक मिथाइल ग्रुप से, ये मिथाइल है CH3 वाला जो है ये आपका मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप से आपका, और ये वाले एक प्रोपाइल ग्रुप से, देखो ना इसमें तीन कार्बन है 1, 2, 3 और एक इस प्रोपाइल ग्रुप से आपका अटैच है ना। तो हम देख सकते हैं ये वाले कार्बोकेटायन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एक मिथाइल और एक प्रोपाइल ग्रुप के साथ अटैच है, जबकि यहाँ पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ आपका एक ब्यूटाइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो दो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, और दोनों एल्काइल ग्रुप आपके क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कौन से इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, जबकि यहाँ पर आपका जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सिर्फ एक ही ब्यूटाइल ग्रुप से अटैच है, तो सिर्फ यही आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन कम होगा। तो ये मेरा कम स्टेबल हुआ कार्बोकेटायन क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम न्यूट्रलाइज हो रहा है, और ये मेरा ज्यादा स्टेबल हुआ कार्बोकेटायन क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कम स्टेबल हुआ कार्बोकेटायन, जबकि ये वाला कार्बोकेटायन मेरा क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ। ये वाला कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब इस कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये फर्स्ट एल्काइल हैलाइड है वो आपका ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू ये वाले कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइल हैलाइड है उससे, ठीक है। तो ये वाले कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइल हैलाइड है वो ये वाला है, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन कम स्टेबल है तो ये वाला कंपाउंड आपका SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड इस कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड स्लोली रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन से, और ये वाला कंपाउंड फास्टली रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन से, क्योंकि ये वाले कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, और ये वाले एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका कार्बोकेटायन है वो कम स्टेबल है। तो आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू आपका सेकेंड वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो अब हम आपका आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आपका आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर हमें दो एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं,
एक तो ये रहा, और एक ये रहा कंपाउंड, तो इसको मैंने वन दे दिया और इसको दे दिया नंबर टू। आपको बोला जा रहा है बताओ कि SN1 रिएक्शन से पहले वाले कंपाउंड और दूसरे वाले कंपाउंड में से कौन से वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगी, दोनों एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन आपका लिखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके ये जो आपका जिगजैग वाला फॉर्मूला है उसको मैं पहले नॉर्मल कार्बन वाले कंपाउंड के फॉर्म में आपका लिखूंगी पहले उसे। तो ये फर्स्ट वाले कंपाउंड को अगर हम नॉर्मल कार्बन वाले कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, ये जो आपके ये है ये तीनों आपके क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये तीनों मेरे क्या है, कार्बन है। तो ये हो गया एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और तीनों कार्बन ये वाले कार्बन से ज्वाइंट है, एक दो तीन, तीन कार्बन आपके ये वाले कार्बन से ज्वाइंट है। तो ये आपका कार्बन हुआ, ठीक है, ये देखो ये रहा कार्बन, वो आपके आगे एक दो तीन, तीन कार्बन से ज्वाइंट है, और इस कार्बन के ऊपर की तरफ क्लोरीन है, ये क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, और ये एक कार्बन तो होगा नहीं, होगा CH3 और CH3। अगर एक कार्बन है और उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड अटैच है तो समझ लो ये CH3 है आपका, क्योंकि एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड होने का मतलब क्या है, बाकी के बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, चार होती है। तो अगर एक बॉन्ड उसने ऐसे बना रखा है तो यानी कि बाकी के जो तीन बॉन्ड होंगे, चार वैलेंसी में से जो बाकी के तीन बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो ये हम आपका ऑलरेडी जानते हैं। अब हम आपका ये वाले कंपाउंड को खोल देते हैं, तो ये क्या होगा, ये वाला कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा और ये भी कार्बन होगा। तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम ये वाला कार्बन लिखते हैं, तो वो हो गया CH3, ये दूसरा वाला कार्बन ये हो गया आपका CH2, फिर ये तीसरे वाला कार्बन ये हो गया आपका CH2, फिर ये आपका चौथे वाला कार्बन ये आपका होगा CH, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ऊपर की तरफ आपका देखो ये क्लोरीन लगा हुआ है, इधर राइट साइड पर एक और कार्बन लगा हुआ है, आपका ये एक और कार्बन आपका राइट साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो CH3 हो गया। तो मैंने दोनों कंपाउंड्स को मैंने आपका नॉर्मल कार्बन वाली जो फॉर्म होती है उसमें आपका लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो आपके दोनों कंपाउंड्स हैं इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हमें बतानी है SN1 रिएक्शन से। तो अब मैं क्या करूंगी, दोनों कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाऊंगी। तो पहले मैं आपके ये वाले कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाऊंगी, तो वो कैसे बनाऊंगी, मैं ये कार्बन मैं एज इट इज लिखती हूँ, और ये कार्बन के तीन तरफ आपका मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH3 वाले, तो वो मैंने लिख दिया CH3, और ये वाला हैलोजन हम हटा देंगे, है ना। तो कार्बोकेटायन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैलोजन एटम को हटा देते हैं, और हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। तो यानी कि मैं ये वाला हैलोजन एटम हटा दूंगी और इस कार्बन के ऊपर क्या लगा दूंगी, पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्टली इसी में लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये हैलोजन एटम हटा दिया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच था। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इस एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं आपका कार्बोकेटायन बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, तो मुझे इस एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड और ये एल्काइल हैलाइड बात एक ही है ना, बस ये इसको मैंने दूसरी फॉर्म में आपका लिख दिया है। ठीक है, तो अब मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी मैं, हैलोजन एटम को तो पहले हटा दिया, हैलोजन एटम को हटाया तो हैलोजन एटम इस यहाँ पर अटैच था, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच था, तो इसके ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपाउंड नंबर वन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कार्बोकेटायन बना दिया और कंपाउंड नंबर टू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कार्बोकेटायन बना दिया। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो जिस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है
वो राइट साइड पर तो इस मिथाइल ग्रुप से अटैच है और लेफ्ट साइड पे इस प्रोपाइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे नंबर 1, 2 और 3 तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच है। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये आपका 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप है और तीनों का नाम सेम है, 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। और हमें पता है क्लास कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कौन से इफेक्ट से? प्लस आई इफेक्ट से। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये आपका 2 एल्काइल ग्रुप से आपका फर्दर अटैच है, तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको? इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां से लेफ्ट हैंड साइड से ये प्रोपाइल ग्रुप आपका डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। राइट हैंड साइड से ये मिथाइल ग्रुप आपका डोनेट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको दो दो जगहों से आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, यानी कि दो दो एल्काइल ग्रुप इसे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पर देखें तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसको तीन तीन मिथाइल ग्रुप आपके क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये वाला मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी कर रहा है और ये वाला मिथाइल ग्रुप भी कर रहा है। तो ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये आगे तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच है और तीनों एल्काइल ग्रुप आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। किसको? इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज उतना न्यूट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन कम होगा वो कम स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो इसका मतलब ये आपका कम स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन कम है, और ये आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये आपका फास्टली रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या ज्यादा स्टेबल है। और इस कार्बोकेटायन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका सेकेंड वाला कंपाउंड है ये स्लोली रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन से, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन आपका कम स्टेबल है। तो यानी कि कंपाउंड नंबर 1 की रिएक्टिविटी सेकेंड वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी SN1 रिएक्शन से। आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका टर्शरी कार्बोकेटायन है, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जो आगे तीन कार्बन के साथ अटैच है उसे हम टर्शरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो आगे 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा टर्शरी कार्बोकेटायन है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे एक ये वाले और एक ये वाले 2 कार्बन से आपका अटैच है, तो ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और हम अच्छे से जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है तो ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइलाइड होगा वो SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा, और ये कम स्टेबल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका ये वाला एल्काइलाइड है वो आपका SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा। क्लियर? अब हम आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, सो नाउ
कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका CH3, CH2, Cl और CH3, CH2, CH, CH3, Cl. आपको ये दो कंपाउंड दिए गए हैं पर आपको बोला जा रहा है इन दोनों कंपाउंड्स को कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करो SN1 रिएक्शन के लिए. यानी कि आपको बताना है कौन से वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा और कौन से वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो मैं सबसे पहला वही काम करूंगी, क्या कार्बोकेटायन लिखूंगी दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना. तो पहले मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कार्बोकेटायन लिख देती हूँ. तो मैं क्या करूंगी, इस क्लोरीन को हटाऊंगी. ठीक है, इस क्लोरीन को हटा करके क्लोरीन क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इस कार्बन पर मैं आपका पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगी. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस एल्कालाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटायन होगा वो आपका ये वाला बन गया. तो ये फर्स्ट वाले कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन ये वाला बन गया. ठीक है, अब हम आपका सेकेंड वाला जो कंपाउंड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आपका कार्बोकेटायन बनाएंगे. तो ये मेरा सेकेंड वाला कंपाउंड है, अब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन बनाऊंगी. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपका क्या करूंगी, ये वाले क्लोरीन एटम को हटाऊंगी और ये क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इस कार्बन पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगी. ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, CH2, CH पॉजिटिव, CH3. ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है. ठीक है, तो आपको पता है ये कार्बन, इस कार्बन जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आगे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है ना. इसको हम आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन बोलेंगे क्योंकि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है. यहाँ पर कार्बन जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आगे दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है. यानी कि ये वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे दो कार्बन से अटैच है. तो दिस इज माय सेकेंडरी कार्बोकेटायन. ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन. या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे दो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक तो इथाइल वाले ग्रुप से और एक आपका मिथाइल वाले ग्रुप से अटैच है, जो कि दोनों आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटायन. ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन को ताकि इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके. तो क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपकी रिसीव करेगा ये वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कम रिसीव करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम न्यूट्रलाइज होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा क्योंकि यहाँ पर दो दो एल्काइल ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा. तो इसके पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन कम होगा तो ये कम स्टेबल होगा. तो ये आपका ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, और ये आपका क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया. तो इसका मतलब ये आपका ज्यादा स्टेबल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एल्काइल हैलाइड है वो आपका SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा क्योंकि इस एल्काइल हैलाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है. तो ये वाला कंपाउंड, सेकेंड वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा जबकि फर्स्ट वाला कंपाउंड SN1 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा क्योंकि इस फर्स्ट वाले कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये कार्बोकेटायन है वो आपका कम स्टेबल है. ठीक है, इसका मतलब सेकेंड वाला कंपाउंड फर्स्ट वाले कंपाउंड से फास्टली रिएक्ट करेगा. क्लियर?